इस पार्ट थ्री को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। सो हम पार्ट थ्री को शुरू करते हैं। वी आर लकी दैट ही इज़ अन फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। अब भोली के पेरेंट्स कहते हैं बहुत अच्छी बात है कि जो भी शंबर है कोई और विलेज से बिलोंग करता है और ना ही उसको भोली के पॉक मार्क्स और उसकी लैक ऑफ सेंस के बारे में पता है। इफ़ वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। अगर हम बिशंबर के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो भोली हमेशा के लिए अनमैरिड की बिना विवाह किए रह जाएगी। येस बट आई वॉन्टेड बट भोली विल से। पर मैं ये भी सुनना चाहती हूँ कि भोली क्या कहना चाहती है। वट विल दैट विटलेस वन से। विटलेस यानी कि अगली चाइल्ड, वो क्या कहना चाहती है? डम काओ, उसको डम काओ भी कहा गया। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। ठीक है, मटर्ड यानी कि मुँह ही बोल जाना। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू आर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। अब भोली अपने पेरेंट्स की विस्पर्ड इनकी खुसफुस फुसफुस वाली जो कन्वर्सेशन होती है उसको सुन रही होती है। बिशंबर नाथ वॉज वेल टू डू ग्रोसर, ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स। अब बिशंबर एक ग्रोसर था, अपनी बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ आया था वेडिंग पे। अब ब्रास बैंड कौन सा था? ब्रास बैंड जिसकी ट्यून बहुत पॉपुलर थी इंडियन फिल्म की, विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स। रामलाल वॉज ओवर जॉयड टू सी सच अ पॉम्प एंड स्प्लेंडर। ठीक है, पॉम्प होते हैं जैसे धूमधाम, स्प्लेंडर के साथ। ही हैड नेवर ड्रीम दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड मैरिज। उसने कभी नहीं सोचा जो उसकी फोर्थ डॉटर होगी उसकी इतनी ग्रैंड मैरिज होगी। बॉलीज एल्डर सिस्टर हु केम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफर लक। मतलब कि उसकी जो सिस्टर्स थी उसको भी उनसे जलन हो रही थी। जब वो मोमेंट आया तो प्रीस्ट यानी कि पंडित सेड दैट ब्रिंग द ब्राइड यानी कि दुल्हन को लेके आओ। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्क ब्राइडल ड्रेस। जो भोली थी रेड कलर के सिल्क ड्रेस में थी। वॉज लेड टू अ ब्राइट प्लेस नियर द सेक्रेट फायर। सेक्रेट फायर यानी कि जहाँ पे अग्निकुंड होते हैं। गार्लैंड दैट ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशंबर ना। गार्लैंड होती है माला, फूलों की माला। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड। जो ब्राइडग्रूम के हाथ में जो माला थी वो कौन सी थी? येलो मैरीगोल्ड्स की। अ वुमन स्लिप बैक द सिल्कन व्हील फ्रॉम द ब्राइड्स ड्रेस। अब वुमन का पैर आया और जो भोली का जो घूंघट था वो उतर गया, जिसके कारण बिशंबर ने उसका फेस यानी कि पोक मार्क वाला फेस उसका देख लिया। गार्लैंड वैसा का वैसा उनके हैंड में धरा हुआ रह गया। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द व्हील ओवर हर फेस। जो भोली थी उसने धीरे से अपने फेस के ऊपर उस घूंघट को खींचने की कोशिश की। अब जो बिशंबर वो कहता है हैव यू सीन हर टू हर फ्रेंड नेक्स्ट टाइम। अपने फ्रेंड्स को कहते हैं कि आपने देखा? शी हैड अ पोक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके फेस पे तो पोक मार्क्स हैं। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर। उसने कहा कि तुम भी कौन सा जवान हो? मे बी बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। अब वो कहते हैं अगर उसके फादर चाहते हैं कि मैं भोली से शादी करूं तो मुझे 5,000 रुपीज डोरी के लिए दिए जाएँ, डोरी यानी कि दहेज के लिए। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन। टर्बन यानी कि उनकी जो जिसको कहते हैं पग होती है ना, उसको उसके पैरों में रख दिया यानी कि बिशंबर के फीट में रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, मुझे इतना बदनाम मत करो। टेक 2,000 रुपीज, तुम मुझसे 2,000 रुपये ले लो, 5,000 नहीं और वी गो बैक। उसने कहा 5,000 दो नहीं तो हम बारात लेकर वापस जा रहे हैं, अपनी डॉटर को अपने पास रख लो। बी अ लिटल कंसीडर्ड प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। अगर तुम बारात लेकर वापस चले गए तो मैं गांव में अपना क्या मुँह दिखाऊँगा। देन आउट विथ 5,000। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। अब रामलाल की आंखों से इतने आंसू आ रहे थे फिर भी वो अपने सेफ मतलब कि अपने लॉकर में गया, लॉकर से पैसे निकाले, काउंट किए। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट। अब उसने बिशंबर के पैरों में सारे के सारे बिशंबर के लालच भरे फेस पे एक स्माइल आ गई। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन। अब उसने एक गेम खेली और वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड ही नाउंस। अब उसने कहा लाओ मुझे
हार दो मैं पहनाता हूँ। वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप बैक फ्रॉम ब्राइट फेस। अब फिर से उसके फेस से जो उसका दुपट्टा था उतर गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट। अब उसकी आंखें नीचे नहीं थी, भोली ने अपनी आंखें नीचे नहीं की हुई थी। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। अब वो अपनी अपने हस्बैंड की आंखों में आंखें मिला रही थी। एंड हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉट हेट ओनली कॉन्टेम्प्ट। उसकी आइज में ना ही कोई गुस्सा था और ना ही कोई हेट था, यानी कि नफरत नहीं थी। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। अब बिशंबर ने जो उसका गार्लैंड था, यानी कि अब बिशंबर ने भोली को हार पहनाने के लिए जब हाथ आगे किया, बट बिफोर ही कुड डू सो, जब उसने पहनाने की कोशिश की, भोली हैंड स्टक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इन टू द फायर। अब भोली ने एकदम से हाथ बाहर निकाले और उसने जो गार्लैंड था उसको आग में फेंक दिया। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द व्हील। पिताजी टेक बैक योर मनी। तो भोली अपने फादर को कहती है कि अब मनी वापस लेने। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। रामलाल बहुत थंडरस्ट्रक हो चुका था। द गेस्ट बिगिन टू विस्पर सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। अब जो गेस्ट थे उन्होंने भोली के लिए कुछ कमेंट्स बनाने शुरू कर दिए, जैसे शेमलेस, अगली। उसने कहा भोली, रामलाल शाउटेड, भोली आर यू क्रेजी? You want to disgrace your family? Have some regard for our इज्जत। कहते उसने कहा कि तुम हमारी फैमिली की इज्जत को ख़राब करना चाहती हो। For the sake of your इज्जत, said भोली, आपकी इज्जत के लिए। I was willing to marry this lame old man, but I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband। उसने कहा कि मैं ऐसे डरपोक, लालची और मीन इंसान को अपना हस्बैंड नहीं बनाना चाहती। आई वुडंट मैं नहीं तो नहीं। व्हाट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वाज अ हार्मलेस डम काउ। हमने तो सोचा था कि वो एक डम काउ है, लेकिन वो तो एक शेमलेस गर्ल निकली। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन। तो अब भोली उसके ऊपर वायलेंटली, यानी कि हम बोलते हैं ना, चिल्लाना शुरू कर दिया। यस आंटी, यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ। That is why he wanted to hand me over this heartless creature. अब भोली उस आंट को, आंटी को कहती है कि आपको जो लगता था मैं डम काऊ, इसीलिए आप मुझे ऐसे heartless आदमी के हाथ थमा रहे थे। But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. उसने कहा यही dumb cow, यही stammering करने वाली लड़की आपके सामने बोल रही है। Do you want to hear more? क्या आप कुछ और सुनना चाहती हैं? बिशंबर नाथ द ग्रोसर started to go back with his party. The confused bandsman thought this was end of the ceremony and struck up a closing song. अब जो बैंड था उनको लगा बस ये सेरेमनी यहाँ पे ख़त्म होने वाली है, तो उन्होंने अपना बैंड भी बंद कर दिया था। रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. अब रामलाल का सिर शेम से, यानी कि शर्म से झुक गया था। The flames of the sacred fire slowly died down. Everyone was gone. अब जो तो कहते हैं ना, आग बंद हो गई थी, मतलब कि ख़त्म हो गई थी, सभी लोग चले गए थे वापस। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल मैरी यू नाउ। अब रामलाल भोली को कहते हैं कि अब तुम्हारा क्या होगा, कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारे साथ क्या करें। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट इट वॉज काम एंड स्टडी, डोंट यू वरी पिताजी, अब मेरी चिंता मत करो। आई एम योर ओल्ड एज, आई विल In your old age, I will serve you and mother and I will teach in the same school where I learned so much. क्या उसने कहा कि जहाँ पर मैं पढ़ी हूँ वहीं पर मैं पढ़ाऊँगी अब। Where I learned so much, जहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा। Isn't that right, ma'am? उसने अपनी मैम से पूछा, क्या ये सही है? The teacher had all along stood in a corner. जो टीचर थी उसके कॉर्नर में खड़ी थी, वो सब ड्रामा देख रही थी। Yes, Polly, of course. टीचर ने बोला, यस बिल्कुल। एंड इन हर स्माइलिंग आईज शी वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फेक्शन। अब उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो रही थी, दैट एन आर्टिस्ट फील, जैसे एक आर्टिस्ट को फील होती है व्हेन ही कंटेम्पलेट्स दैट कंप्लीशन ऑफ हिज मास्टरपीस। जैसे कि एक आर्टिस्ट को खुशी फील होती है जब उसका एक मास्टरपीस कंप्लीट हो जाता है। सो जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना।